आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। और चलिए दिखाते हैं कुछ लोकल सब्जी वगैरह आ रखी है हमारे का कुकी दा जो है वो भी आए हुए हैं। कल परसों को रखे गए थे गाँव बस्ती से आंटी वगैरह अंकल वगैरह आते हैं जो कि उनका मेहनत उनका खेती का ये जो भी है लोकल सब्जी आप देख रहे हो कद्दू मिलेगा। इसको रंगाला कद्दू बोला जाता है जो तो कुमड़ा भी है मिर्चा इसमें नींबू आपका लहसुन से लेके सब कुछ है। ऊपर में आपका मजेंगा पात भी है। इन मजेंगा पात न हो जाए अरे इन मजेंगा पात ना मजेंगा पात बैंगना खीरा इसमें करेला उसके बाद छटेगा ये जो छटेगा तो सब्जियाँ काफ़ी आ रखी है। शायद आपको बोर कर देता हूँ इरिटेट कर देता हूँ आप क्या समझते हो नहीं समझते हो। मेरा कोशिश रहता है कि भाई माँ जैसे पिता जैसे लोग आते हैं और अलग भी कहीं ना कहीं कुछ लोग आते हैं जो सब्जी वगैरह बेचने को आते हैं उनका सब्जी अक्सर ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप मेरे देख रहे हो 3-4 दिन हो चुका है हम चाहे तो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों थोड़ा बड़ा इधर उधर की ले लेके ना हमारे को ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की डेली लाइफ की। और एक चीज़ दिखाते हैं लीजिए दोस्तों मेरी दुकान के सामने आपको नज़र आता होगा ये बम्बू बम्बू सब्जी जो होता है ना बम्बू का इसको छोटा छोटा काट कर खाया जाता है। प्रोसीजर आप सभी को पता होगा जैसे कि मेरी दुकान के सामने ये आ रखा है और दिखाते हैं ये साग कहा जाता है लोकल साग कुछ ये भी कुछ साग है मतलब और ये लोकल धनिया कहा जाता है। ख़ास करके इसको आप बॉइलिंग सब्जी में दे के खाओगे ना बड़ा ही मज़ेदार सेंटे मैं बहुत ही इसको पसंद करता हूँ और बॉइलिंग सब्जी में देने से ये मान लीजिए आपका मछली वगैरह में डाल करके खाया जाता है। ये क्या चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा ये दिखाते हैं ये देखिए ये क्या चीज़ है बेम्बू टेंगा बोला जाता है बम्बू टेंगा यहाँ लोकल में इस तरह से बोला जाता है। कैसे बनता है ये जो बम्बू देख रहे हो ना इसको छोटा छोटा पीस करके छोटा छोटा काट के ऐसे डब्बा के अंदर भराया जाता है। भराने के बाद क्या होता है इसको छोड़ दिया जाता है 2-1 महीना 3 महीना ऐसे कुछ उसमें अंदर में कुछ दवाई वगैरह डालता है नहीं डालता मुझे नहीं पता। तो ये सारी की सारी चीजें जो है 200 रुपया तो इसका 20 ये बम्बू सब्जी बोला जाता है इसको। और ये साग है लोकल साग है लोकल धनिया है जो कि इसका 200 है ये 20 करके है ये भी आपका 20 है नहीं ये 10 है ये वाला 20 ये कुछ अलग साग है क्या साग पता नहीं लोकल कोई साग है ये 10 10 रुपया का है जो कि हम अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें उनको थोड़ा सा सहायता हमारे को अक्सर ज़रूरत होती है चलाने से सब्जी से तो अच्छा ही है ना भाई सब लोकल सब्जी उनका भी थोड़ा सा मेहनत करके लाते हैं गांव गली बस्ती से तो हम भी बातें तो हम करते हैं कहीं ना कहीं मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य कि भाई इनका भी थोड़ा सा सेल वगैरह हो जाए। तो छोड़ के चले गए जो आए थे बस्ती वगैरह से तो हमसे कहा कि भाई तू बेच देना तो मैं भी अब देखिए धूप खिला हुआ है कोई आ जाते कोई इनका मतलब 2-4 सब्जी ले लेते तो सभी को ज़रूरत होता है 10-5 आदमी निकल जाए तो ये सब्जी हालांकि लेते हैं ऐसा नहीं है थोड़ा मोड़ा इनसे सब्जी वगैरह ले जाए तो उनका भी भला हो जाए और अपने को भी लोकल सब्जी खाने मिल जाए उनको भी अच्छा लगेगा।